गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का अगेन हमारा सेम पॉइंट सेम टॉपिक रहेगा, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। कौन सा? यस करेक्ट, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट से लास्ट टाइम हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ? यस, हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो इसमें कौन सा पॉइंट हमने देखा था? यस, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, तो पहले मींस पहले के एनवायरनमेंट में जो जब हमारे नाना नानी दादा दादी थे, तो उस वक्त गार्बेज कहाँ फेंके, गार्बेज का मैनेजमेंट कैसे करें, इतना कोई भी सोचने की इतनी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम था, गार्बेज भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता था। लेकिन अब ये सोचने की जरूरत क्यों हो गई है? यस, क्योंकि गार्बेज प्रोडक्शन ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा है। प्लस इस तरह का गार्बेज है जो कि बहुत ही हार्म क्रिएट करता है। अब कैसे हार्म क्रिएट करता है, यस ये देख लेते हैं हम इसी पॉइंट में। ओके, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिए हैं, कुछ एक्टिविटीज दिए हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। तो एक्टिविटी नंबर 15.5, एक्टिविटी नंबर 15.6, एक्टिविटी नंबर 15.7, एक्टिविटी नंबर 15.8। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज कैसे गार्बेज का वेस्ट मैनेज करें, इस पर डिपेंड है एक्टिविटीज। ओके, तो पहले देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 15.5 क्या है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप सभी को करना आता है, ये एक्टिविटी हम सभी अपने अपने घर में कर सकते हैं। अब कैसे करना है? यस, आज जाके ये एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी है। कौन सी? 15.5 वाली। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपके घर में जो भी आज गार्बेज जमा होता है, कचरा, वो गार्बेज आपको कलेक्ट करना है। खाली आपके ही सिंगल घर में से कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं आपके नेबरहुड से आपको कलेक्ट करना है। ओके, आपके घर में आज के दिन में, आज के सुबह से आज के शाम तक जो भी कचरा या जो भी गार्बेज आपके घर में फॉर्म होता है, वो पूरा का पूरा आपको स्टोर करना है। ओके, मींस आपके घर में जो भी गार्बेज बनेगा और गार्बेज प्रोड्यूस होगा, उस गार्बेज में कौन कौन से टाइप का गार्बेज होगा? यस, क्या क्या डालते हो आप अपने कचरे के डब्बे में? यस, आपके किचन का वेस्ट डालते हो ना? यस, और क्या डालते हो आप कचरे के डब्बे में? यस, आपने आप अपना पेन, पेंसिल, शार्पनर किया हुआ शार्पनर वाला पेंसिल, नेक्स्ट पेन, रिफिल, जो भी स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का वेस्ट, स्टडी वेस्ट जो भी बनेगा, नेक्स्ट आपके न्यूज़पेपर्स हो या आपके बुक्स के पेजेस हो, नोटबुक के पेजेस हो, जो भी हो, वो कचरा में स्टडी वेस्ट आप उस कचरे के डब्बे में फेंकते हो। यस, उसके बाद आपने कुछ प्लास्टिक वगैरह, फॉर एग्जांपल पेपर्स के रैपर, नेक्स्ट चॉकलेट के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स, नेक्स्ट ब्रेड के रैपर्स, मीन्स जो भी प्लास्टिक वेस्ट हैं, प्लास्टिक वेस्ट, वो भी आप उस कचरे के डब्बे में फेंक देते हो। ओके, नेक्स्ट जो भी ग्लास, आप से ग्लास टूटा, ग्लास वेस्ट आप उसमें फेंक देते हो। मीन्स सभी वेस्ट आप एक ही कचरे के डिब्बे में जमा करते हो। अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, दो टाइप्स के कचरे आपके घर में हमेशा होते हैं, मीन्स कोई कोई सेपरेट करता है, किचन का डब्बा अलग और दूसरे का डब्बा अलग, मीन्स ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। तो ये दो तरह के वेस्ट घर में होते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे घरों में ये सभी कचरा एक ही डिब्बे में होता है। ओके, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, मेस पिन, नीडल्स, हॉस्पिटल हो तो पिन, नीडल, कॉटन, बैंडेज, मेडिसिन। ओके, ये तो बहुत सारे टाइप्स के वेस्ट होते हैं, मेडिसिन वगैरह, ठीक है, सिरिंज, ठीक है, पिन्स, बहुत सारे। तो ये सभी वेस्ट क्या करने हैं आपको, आपके घर में से कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद ये वेस्ट
आपको कहीं भी जाके दूसरे दिन फेंकने नहीं है, दूसरे शुभ दूसरे दिन। तो ये वेस्ट आपको क्या करना है, आपके सपोज गार्डन में जगह है, आपके घर के सामने कोई जगह है, दूसरे के जगह पे नहीं, आपके घर के सामने जो भी जगह है आपके एरिया में जो आता है, उस जगह में क्या करना है हमें, यस एक होल तैयार करना है बड़ा सा, ओके डिगिंग करना है, और उसमें ये पूरा का पूरा कचरा उस डेप्थ में डालना है, ओके तो ये पूरा कचरा पूरा गार्बेज यहाँ डालना है, और इस पर पूरी की पूरी सॉइल डालनी है अप टू 15 सेंटीमीटर तक, कम से कम इस पर सॉइल से इसे पूरा का पूरा क्लोज करना है, ठीक है, और उस पर पानी फेंक देना है। अब क्या होगा, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है 15 डेज तक। ये कितने दिन तक कम से कम ऑब्जर्व करना है, 15 डेज तक सॉइल डालनी है, उस पर वाटर डालना है, अब ऑब्जर्व करना है खाली आपको 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ये पूरी सॉइल निकाल कर आपको इस गार्बेज में कुछ ऑब्जर्व भी करना है, ये एक्टिविटीज आपको करनी है आफ्टर 15 डेज, ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा मटेरियल यहाँ डिग्रेड हुआ, कौन सा मटेरियल डिग्रेड नहीं हुआ, डिग्रेड एंड नॉन डिग्रेड। अब व्हाट इज मीन बाय डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब उसका दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन होना मतलब डिग्रेड होना, कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो नॉन डिग्रेडेबल, समझ में आ रहा है, ओके बताइए इनमें से कौन कौन सा वेस्ट आपको 15 दिन के बाद दिखाई नहीं देगा, यस किचन का वेस्ट। अब किचन के वेस्ट में मोस्टली होता क्या है, यस हमारा फूड का वेस्ट होता है, वेजिटेबल का लीफी वेस्ट होता है, फ्रूट का वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल किचन का, जो भी प्लांट वेस्ट मटेरियल होता है वो मोस्ट वेस्ट मटेरियल यहाँ डिग्रेड होगा। अब ये डिग्रेडेशन सॉइल में कौन कर रहा है, आप जाके कर रहे हो क्या सॉइल में, आपने खाली उसे सॉइल में पेनिट्रेट किया, अब उसको आप कोई भी प्रोसीजर उसके लिए फॉलो नहीं करना है आपको, तो ये डिग्रेड होता है, इसका मतलब यहाँ डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, यस ये अलग अलग टाइप के डीकम्पोजर्स के थ्रू, डीकम्पोजिशन इट इज अ प्रोसेस एंड इट बिकम्स डीकम्पोज विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स, इसका मतलब डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, यस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यस अर्थवर्म बैक्टीरिया फंजाई एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया फंजाई, नेक्स्ट अर्थवर्म, ये डीकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं, ओके मीन्स ये जो भी डिग्रेड होने वाले कंपाउंड है उस पर एक्ट होते हैं, उस पर एंजाइम्स डाल देते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सभी अपने अपने बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम के साथ ये एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं और इस फूड मटेरियल को क्या करते हैं वो यस ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस में देखा था इन डिटेल डाइजेशन में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, कि कैसे हमारे स्टमक में, बकल कैविटी में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। डाइजेशन इस ऑर्गन में क्यों होता है, क्यों इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, यस क्योंकि इन स्पेसिफिक ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, यस दे हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्पेसिफिक कंपाउंड, ये प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये मेटल को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ग्लास को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये खाली किसको डाइजेस्ट करेंगे, जो डिग्रेड होने वाले कंपाउंड है ना उसी को डाइजेस्ट करेंगे। अब डिग्रेड होने वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, मोस्टली प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट आर डिग्रेडेबल। अगर सपोज आपने एनिमल की डेथ होने के बाद एनिमल को उसमें डाल दिया तो एनिमल के मसल्स, एनिमल का पूरा बॉडी पार्ट क्या होगा, हो जाएगा वहां डाइजेस्ट हो जाएगा, क्यों, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डीकम्पोजर्स, इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स। दीज डीकम्पोजर्स को और एक हम वर्ड टर्म यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेट्राइटस, इट इज कॉल्ड एज डेट्राइटस।
डेट्राइटस मीन्स, डेट्राइटस मटेरियल मीन्स ये डिग्रेड हुआ मटेरियल, और डेट्रीहोरस एनिमल्स मतलब ये सभी एनिमल्स जो है वो डेट्रीहोरस एनिमल्स है, मीन्स डेट्राइटस मटेरियल को ब्रेक करने वाले। ओके तो इस तरह से आपको आफ्टर 15 डेज क्या ऑब्जर्व करना है, कौन सा मटेरियल डिग्रेड होता है, कौन सा मटेरियल डिग्रेड नहीं होता, इसे ऑब्जर्व करना है। अगर ये मटेरियल डिग्रेड हुआ है तो कौन इसे डिग्रेड कर रहा है, यस डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डेट्रीहोरस एनिमल्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ, इट इज कॉल्ड एज डेट्रीहोरस एनिमल्स। कौन कौन से और ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन, यस। ये डिकम्पोजिशन कौन कौन से पार्ट्स का होता है, मोस्टली प्लांट और एनिमल वेस्ट का होता है, बाकी ग्लास, प्लास्टिक, सिरिंज, मेटल ये कोई भी डिग्रेड नहीं होते, खाली ये दो वेस्ट मटेरियल यहाँ डिग्रेड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के मटेरियल में एंजाइमेटिक एक्टिविटी पॉसिबल है, तो यहाँ एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, कौन करता है, ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन। ओके तो ये पूरा का पूरा पॉइंट में भी आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये ऑब्जर्व करना है आफ्टर 15 डेज क्या डिग्रेड हुआ। नेक्स्ट अब क्या ऑब्जर्व करना है, यस कौन सा मटेरियल अब डिग्रेड नहीं हुआ है ये भी आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगा, ओके ग्लास डिग्रेड्स नहीं होंगे, सीरिंज डिग्रेड्स नहीं होंगे, ओके और जो भी आपने मेटल वगैरह वहां डाला हो, आयरन वगैरह, तो वो भी डिग्रेड नहीं होंगे। अब ये डिग्रेड नहीं होते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने बताया है कि अब आपको करना क्या है, यस इस इनमें से डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 15.6, तो उन्होंने इस एक्टिविटी में उन्होंने बताया है कि आपको लाइब्रेरी में जाके, इंटरनेट सेक्शन में जाके क्या करना है, आपको इंटरनेट और लाइब्रेरी में जाके बैठना नहीं है, लाइब्रेरी में जाके आपको कौन से वेस्ट, कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसकी लिस्ट बनानी है पहले, ओके तो बाय और डिफरेंस भी इसमें से निकालना है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स सिरिंज, ग्लास, प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये डिकम्पोज नहीं होते, तो यहाँ लिस्ट बनानी है कौन कौन से आते हैं यहाँ, यस प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। ओके यहाँ कौन कौन डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, यस प्लास्टिक, नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट सिरिंज, नेक्स्ट ग्लास, ये डिग्रेड नहीं हो रहे हैं। ओके तो इसका डिफरेंस भी आपको अच्छी तरह से लिखना है, क्यों डिग्रेड नहीं हो रहे, क्यों डिग्रेड हो रहे हैं, यस आपको मुझे बताना है। अब उसके बाद में अगेन आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस। ओके तो पहले आपको स्टडी करके आना है, फिर मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिफरेंसेस है, बड़ा वाला चार्ट करके मैं वो पूरा का पूरा आपके लिए ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो पहले आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होते, तो ये डिग्रेड नहीं होते तो वैसे ही वो अंडरग्राउंड रहेंगे क्या, ये भी सोचना है हमें। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर, यस ओके तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 15.7 वाली, कि आपके घर में जो भी पर डे कचरा जमा होता है वो ऑब्जर्व करना है, आपके स्टडी हाउस में जो कचरा जमा होता है वो ऑब्जर्व करना है, मींस आपके एरियाज में आपके अंडर ऑब्जर्वेशन जितना भी कचरा जमा होता है उसे इजीली ऑब्जर्व करना है, और उसे अगेन डिस्टिंग्विश करना है बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में। नेक्स्ट अब अगर ये डिग्रेड नहीं हो रहे हैं तो इसमें अगेन दो टाइप्स आएंगे, मे बी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। कौन कौन से आएंगे यहां अगेन,
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कौन कौन डिवाइड होते हैं, यस ये भी एक बार देख लेते हैं। साइक्लिक का मतलब अब इनमें से कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो कि हम अगेन उसे मेल्ट करके उससे अगेन हम दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, यस बताइए इसमें से कौन सा वेस्ट है। यस पेपर ये डिग्रेड होगा, न्यूज़पेपर हो आपका, स्टडी का जो भी पेपर हो आपका, टेक्स्ट बुक का, आपके नोटबुक का, वो सभी के सभी पेपर्स डिग्रेड होते हैं, लेकिन उसे भी आप क्या कर सकते हो, साइक्लिक में डाल सकते हो। क्या करना है आपको, उसे साइक्लिक प्रोसेस में डालना है, ठीक है। तो ये सभी नोट्स आपके टेक्स्ट बुक नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट में मैंने जो सिखाया है ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इतना भी आप पर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको फटाफट से ध्यान में आ जाएगी इस टॉप पॉइंट में हमने क्या देखा है। ओके तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमें अगेन दो टाइप्स में ये वेस्ट डिवाइड करना है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है यस नॉन साइक्लिक। अगर साइक्लिक में कौन कौन से आते हैं, यस पेन का जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक्चुअली साइक्लिक में आते हैं, लेकिन जिस प्लास्टिक का थिकनेस ज्यादा है हाई, वो प्लास्टिक मोस्टली साइक्लिक में जाते हैं। अब कौन कौन से प्लास्टिक का थिकनेस ज्यादा होता है, यस पेन का साइक्लिक मैनर से उसे मेल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बकेट, बकेट अगर आपकी टूट गई है, मग टूट गया है, तो उसको आप साइक्लिक से आप उसे मेल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा प्लास्टिक, जो ज़्यादा प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, जो उनका थिकनेस ज़्यादा होता है, थिक प्लास्टिक, वो भी साइक्लिक मैनर से हम उसे मेल्ट कर सकते हैं और दूसरा न्यू प्लास्टिक हम तैयार कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट नॉन साइक्लिक में कौन आता है, यस दैट इज थिन प्लास्टिक। अब मार्केट में जो भी फ्रूट वाले के पास या जो भी वेजिटेबल वाले के पास बहुत ही थिन प्लास्टिक मिलते हैं, बनाना वाले के पास जाओ, एप्पल वाले के पास जाओ, कौन सा भी फ्रूट वाले के पास जाओ और वेजिटेबल वाले के पास जाओ, कंपल्सरी थिन प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होता, वो नॉन साइक्लिक होता है, तो थिन प्लास्टिक बिकम्स नॉन साइक्लिक। ओके नेक्स्ट और प्लास्टिक हुआ, नेक्स्ट यस ग्लास भी साइक्लिक में आते हैं, ग्लास भी आप उसे मेल्ट कर सकते हो और मेटल को भी मेल्ट कर सकते हो, तो ये सभी साइक्लिक में आते हैं। कौन खाली साइक्लिक में नहीं आ रहे हैं, थिन प्लास्टिक। तो आपने बहुत बार पिछले दो या तीन साल में आपने बहुत बार सुना होगा कि थिन प्लास्टिक पर कंपल्सरी बैन है, थिन प्लास्टिक पर क्या है, कंपल्सरी बैन। तो ये प्लास्टिक क्यों बैन किया हुआ है, क्योंकि इस टाइप का प्लास्टिक हम बरी भी नहीं कर सकते हैं, अंडरग्राउंड उसे डिग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, साइक्लिक में भी नहीं डाल सकते, उसे बर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस प्लास्टिक को बर्न किया तो ये एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करेगा। तो यहाँ थिन प्लास्टिक इन सभी में किसी भी तरह से हम मैनेज नहीं कर सकते इस वेस्ट का, इसलिए इस प्लास्टिक पर कंपलसरी क्या है, अब बैन है, बैन्ड। थिन प्लास्टिक इज कंपलसरी बैन्ड बिकॉज दैट टाइप ऑफ वेस्ट कैन नॉट बी डिग्रेडेड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। साइक्लिक मीन्स रिसाइकलिंग, आप इसे बोल सकते हैं रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग। ओके तो इस तरह से हम अपने गार्बेज का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये सभी एक्टिविटी समझ में आई होंगी, किस तरह से हमने एक्टिविटी नंबर 15.5 किया, किस तरह से 15.6, किस तरह से 15.7। तो ये सभी एक्टिविटीज आपको अच्छी तरह से आपको करनी है, क्योंकि आपके होम से ही ये एक्टिविटीज है, तो यस ये ऑब्जर्व करना है, ये आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो वो भी मुझे आपको बताना है किस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया, आपको मुझे बताना है। तो ये अलग अलग तरीके के वेस्ट कलेक्ट करने हैं, इसे बरी करना है, उस पर सॉइल डालना है, 15 डेज पर ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन के बाद
ये सभी प्रोसीजर करनी है. ओके, तो ये था आज का हमारा पॉइंट अवर एनवायरनमेंट से द मैनेजिंग द गार्बेज वेस्ट. ओके, तो यहाँ हमारा एक्चुअली ये टॉपिक खत्म होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ टेस्ट सॉल्यूशन एज वेल एज एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस. ओके स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू, स्टॉप.